की हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे हम पहुंच रहे हैं। छठे चरण के आज मतदान है। सुबह 6 बजे से मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। आइए, हम पहुंचे हैं अभी दक्षिण दिल्ली में और हम जानना चाहते हैं, सर क्या नाम है? संजय यादव। सर, आज इलेक्शन है, मतदान है छठे चरण का, दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में आज बहुत बड़ा पर्व है और अपने अपने दाव पे सब दिखा रहे हैं। यहाँ साउथ दिल्ली में सही राम पहलवान का दबदबा और दाव चलेगा। सही राम पहलवान किस पार्टी? आम आदमी पार्टी से। आम बीजेपी तक तरफ पूरे 400 का पार करना लगा रहे हैं। वो 400 पार नहीं जाएंगे, वो सब कुछ को 400 पार ले जाएंगे। कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जो आम आदमी पार्टी ने अभी सोच रखे। अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं बाहर। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, उन्होंने तो किया ही है, पानी पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, सभी चीज़ों पे काम अच्छा किया है। आगे आने वाले जो चुनौती मिलते जा रहे हैं उन पे भी काम बढ़िया कर रहे हैं। अपने कहे हुए पे खड़ा उतर रहे हैं। जुमलाबाजी तो किए नहीं, 15 लाख दे देंगे, मिल जाएगा, मिलेगा, आ रहा है, अभी चला है, वहाँ से आपके अकाउंट में पहुँचेगा, ये सब तो ऐसा हुआ नहीं। स्कूल बोला आपके सामने में ये स्कूलें बनी है, हमने तो अभी आज तक पहले देखा नहीं। देखो CCTV कैमरे, स्कूलों के हालात सब देखो, एकदम चकाचक है। हॉस्पिटल है, जहाँ भी जाओ आप, बढ़िया व्यवस्था सब चीज़ है। महिलाओं के लिए बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली का यूनिट जो है सो लमसम में लिमिट में आता है। जुमलेबाजी नहीं कर रही है। हाँ, ये है कि राजनीति में थोड़े नए हैं और ये पुराने खाए खिलाड़ी हैं, दबाते हैं उनको। अभी जैसे बिना मतलब उठा के झूठी केस में फंसा करके जेल में डाल देना, ये सब कर रहे हैं, वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। क्या लगता है आपको अभी तक कितने परसेंट मतदान हो चुके? लगभग 2 बजने वाले हैं। आइडिया है करीब करीब में आपको, करीब करीब में 30-35% तो हो गया है। शाम तक जो है सो क्लियर हो जाएगा, पूरा 80-90% पूरा वोटिंग होगा। हाँ जी। पब्लिक जागरूक है, कहीं भी खाली नहीं है, लोग आ रहे जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और निकल रहे हैं आराम से। अब तक जो 30-35% है तो उसमें आप बता सकते हैं अनुमानित कि आम आदमी पार्टी कितना परसेंट ले जाएगी? 25 से एक्स्ट्रा है, ऊपर है 25 से। अभी तक जो पोलिंग हुआ है सुबह से, लगभग 25-30% आम आदमी पार्टी एक तरफा वोट पड़े हैं। उपलब्धियां गिनाई थी अभी कि केजरीवाल की बदौलत आज ये स्कूलों की दशा आप देख सकते हैं, सरकारी स्कूलों को, आप बसों में महिलाओं को फ्री सफ़र करना, घर का पानी मुफ्त में है और कुछ यूनिट बिजली मुफ्त में है। आइए और हम बात करते हैं, आगे जनता से जानते हैं किसकी बनेगी सरकार, किसको करेंगे वोट। हम दिल्ली के हर मोहल्ले, हर गली में आज हम सुबह से ही दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं और हमने जायज़ा लिया, यहाँ पर पोलिंग बूथों पर पहुँचे, हम जनता की राय ली। अभी हम पूछना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम राज प्रधान है जी। आज सुबह से हम दिल्ली में हैं और आज पूरे भारत की नजरें 7 सीटों पर टिकी हैं दिल्ली में। घमासान युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय पर्व भी मना रहे हैं लोग, क्या कहें? इंडिया गठबंधन 7 सीटों से जीत रहा है जी, और बहुत अच्छे से जीत रहा है, क्योंकि इसमें पता है आज तक बीजेपी ने किया ही कुछ नहीं है। केजरीवाल जी के काम गिनती कराऊंगे, स्कूल अच्छे किए, मेडिकल आपको दवाइयाँ फ्री की, टोटल अस्पताल फ्री हैं आपके लिए, और आप अभी क्या कहते हैं बसें फ्री की हैं, ठीक है जी, और क्या चीज़ फ्री है, और 200 यूनिट फ्री दिया हुआ है और 400 यूनिट पे हाफ फ्री कर रखा है इन्होंने। गर्मी के मौसम में हर आदमी अपने कूलर वूलर चला के शांति से बच्चों रह सकता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में केजरीवाल जी 1000 रुपये हर महिला, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये मुफ्त दे रहे हैं, हर महीने देंगे। इससे अच्छा और कोई दे सकता है? आज तक बीजेपी ने किसी कुछ दिया है? आप मुझे बता दीजिए इस बारे में, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बताइए पैसा कहाँ से है? ये पैसा हमारा जो हम देते हैं वो हमारे को लौटा रहे हैं ना तरीके से, बिल्कुल, जो बीजेपी कैश के तौर पर नहीं, टैक्स के तौर पे। आज तक बीजेपी ने हमें क्या लौटाया बताइए? लिया ही लिया है, काम धंधे सारे बंद हो गए हैं, कुछ किसी का काम नहीं चल रहा है, हर आदमी परेशान है, चाहे बिल्डर से लेके लेबर क्लास तक का आदमी टोटल परेशान है, रोटी खाने के लिए तरस गया है। कह रहे हैं कि 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, 5 किलो राशन से पेट भरता है क्या? उसके साथ घी तेल बुरा नहीं चाहिए क्या? दाल नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए? गैस को उन्होंने 400 रुपये से उठा के 1200 रुपये सिलेंडर कर दिया, बताइए। और ये कह रहे हैं कि 400 पार 400, 250 पार नहीं कर सकते सर, 250 पार नहीं कर सकते? और जिस भी यहाँ पे आप लोकसभा में खड़े हैं ना, यहाँ पे चौधरी से क्या नाम सही राम जी, यहाँ पे 3 से 3.5 लाख वोट से आगे जीत रहे हैं इस टाइम पे, देख लेना आप, ये हमारी गारंटी है इस बात। सही राम जी तो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे सही राम जी, और आम आदमी पार्टी की तो जीत है ही निश्चय दिल्ली में। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी लेडीज़ों के लिए कुछ नहीं किया, मैं इतना कहना चाहती हूँ। जो किया है केजरीवाल जी ने किया है, आप लेडीज़ को देख लीजिए, लेडीज़ की हर चीज़ देख लीजिए, एक मिडिल क्लास की लेडीज़ को क्या चीज़ चाहिए होती है? पानी, हर चीज़, एवरीथिंग जिसे कहते हैं,
सब चीज़ उन्होंने दी है और आने वाले टाइम में हम और उम्मीद करते हैं कि हमें और बेनिफिट उनसे मिलेगा। कुछ ऐसे मुद्दे जो जीतने के बाद हम जनता को बात के रूप में देंगे? देखिए, मैं यही चाहूँगी कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़े भगवान के रूप में हैं। देखिए, बीजेपी वालों ने क्या किया, आप खुद सोचिए। कारोबार ख़त्म कर दिए, मिडिल क्लास का बंदा गया, कुछ नहीं रह गया, जीरो पे आ गया। आम आदमी पार्टी ने उठाया, थोड़ा बहुत उन्होंने किया। अब लगता है, देखिए कि मैं आप बता नहीं सकती, अल्फाज नहीं है मेरे पास केजरीवाल जी के लिए। दिल से मैं ब्लेसिंग करती हूँ उनको कि एक जो घरों के अंदर जो लेडीज थी, जो आम की तरह रह रही थी, कम से कम उनको 1,000 रुपये महीना तो मिलेगा, एटलीस्ट बहुत होता है एक मिडिल क्लास की लेडीज़ के लिए। अब आप देखिए, एक स्कूल थे ना, वो क्या थे? आज के टाइम आप स्कूल की स्थिति देखिए, प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने पार कर दिया है, ठीक है, अच्छी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। पहले टीचर्स क्या करते थे, आराम से बैठ जाते थे, अब एक एक क्लास के अंदर एक एक टीचर्स होता है, अच्छी एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है, हर चीज़ दी जा रही है। मैं कह रही हूँ बेस्ट हैं वो, बेस्ट हैं केजरीवाल, और उन्होंने काम किया। दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे थे जो हर जनता की जुबां पे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, तीन ही मुद्दे होते हैं। महिलाओं को बस में सफ़र फ्री है और आने वाले टाइम में फिर 1,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को देंगे, घरेलू महिलाओं को। और हम जानते हैं यहाँ पर जो महिलाएं वोटिंग करके आ रही हैं, महिलाएं हैं, यंग हैं, 18+, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है उनमें, वोटिंग करने का बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। 18+ के जो बच्चे हैं, जो वोट फर्स्ट टाइम करके आ रहे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं जी, आप वोट करके? सीमा जैन। आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है? किया नहीं जाई। अच्छा, और ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम आप वोट करने आई हैं? हाँ जी। दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। हाँ, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दों पे वोट करना चाहिए, आप किसको वोट? फर्स्ट तो बेरोजगारी पे, और सेकंड एजुकेशन पे, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो हमें सबसे पहले हमें एजुकेशन पे ही प्रेशराइज करना चाहिए उनको, क्योंकि हमारा उसी से देश आगे बढ़ेगा। और बेरोजगारी इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो काम से बचने के लिए काम चोरी करते हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि जो डिजर्विंग है उनको मिलनी चाहिए जॉब, बस इसीलिए। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा है, क्या लगता है आपको 400 ला पाएंगे? हाँ, मे भी ला देंगे। करके आए आप, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की सरकार बनेगी, जो हमें बिजली, पानी सब कुछ फ्री दे रहे हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे ना, वो हमारे लिए सब कुछ है। देखो, इतना महंगा एसी चलाना कोई कम बात होती है? उसमें हम कम बिल दे के एसी भी अपने बच्चों को दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, केजरीवाल हमारे लिए बेस्ट है। 200 यूनिट तो शायद फ्री है ना उनकी तरफ से, उसके बाद बिल आता है? उसके बाद बिल आता है, पर 200 यूनिट हम लोग बहुत टाइम से बचा रहे होते हैं ना। देखो, सर्दी में कोई बिल नहीं, जीरो बिल्कुल, यानी कि हम उन पैसों से अपने बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं, ठीक है, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि हाँ, तो हम तो चाहते हैं केजरीवाल जीते। दिल्ली के हर जगह हम पहुँचे हैं, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, आज हमारे रिपोर्टर पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। मैं अभी इस समय दक्षिण दिल्ली में मौजूद था, मैंने ओपिनियन जानी, जनता की राय जानी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बोलबाला, और हम पूछेंगे। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम उषा रानी है, और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सबसे बड़ा अयोध्या, अयोध्या मंदिर जो बना, बहुत बड़ी बात हो गई, जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। अयोध्या मंदिर बना दिया उन्होंने, आतंकवादियों से छुटकारा मिल गया हमें, आतंकवाद नहीं है कहीं भी। पहले बहुत आतंकवाद होता था, जगह जगह चोरियां चकारियां होती थी, खाली ये नहीं कि हमें फ्री में कुछ मिल रहा है तो हम उसकी तरफ झुक जाएं, नो, एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा नाम राजरानी है, और मैं तो केजरीवाल को ही दे के आई हूँ वोट, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, महिलाओं के लिए खास तौर पे। देखो, अभी आपके साथ बैठी हुई हैं, मैम ने कहा कि मोदी जी की बदौलत संभव हुआ राम मंदिर बना। मैं मानती हूँ मंदिर उन्होंने बनवाया है, लेकिन और महिलाओं की उन्होंने हेल्प नहीं करी। जो उन्होंने आप इस बारे में अभी आपने कहा, देखो, 5 उंगलियां हाथ की 5 बराबर नहीं होती, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबका अलग अलग होता है नजरिया। महिलाओं की रक्षा नहीं, महिलाओं की रक्षा नहीं है, महिलाओं की रक्षा कुछ नहीं है, तो इतनी नहीं की महिलाओं, क्या कहेंगे आप? अब या देश को देख लो या महिलाओं को देख लो, देश की हेल्प हो रही तो समझो सबकी हेल्प हो रही है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो कहा है केजरीवाल जी ने, और वो करा है, लेकिन मोदी जी ने जो कहा है वो दिया नहीं है, ना करा है। वो बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री है,
तो ये उपलब्धियां हैं आम आदमी तो उपलब्धियां हैं तो दारू के ठेके एक के साथ एक फ्री। अरे भैया ऐसे लम लेट हो रहे थे आदमी ले लेके, आदमी ऐसे लेट रहे थे पी के झल्ले हो रहे थे, औरतें बेचारी मुंह देख रही थी शाम को चूल्हा जलाने के लिए पैसे आएंगे तो चूल्हा जलेगा, वो चूल्हा ही नहीं जलता था औरतों का। तो अब क्या कहोगे आप इस बारे में? देखना चाह रहे थे ना कि पब्लिक के पास पैसा है कि नहीं, और वैसे तो भूखे पेट मर रहे हैं, खाना नहीं है उनके पास, वो तो ये देखना चाह रहे थे कि शराब के लिए पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनके पास। मुद्दे महिलाओं के मुद्दे होते हैं कि घर में खाने को राशन नहीं है और केजरीवाल ने शराब फ्री की, आदमी दो बोतल लेने पहुंच गया। मेरा नाम रेखा जैन, मैं मंडल मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। अभी हम यहाँ बैठ के महिलाओं से जान रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी की उपलब्धियाँ गिनाई, बिजली पानी महिलाओं को टिकट भरी, बीजेपी की उपलब्धियाँ गिनाई कि राम मंदिर बन गया। आपको क्या कहना है इस बारे में? जो उन्होंने केजरीवाल ने ये बोला ना कि बिजली पानी फ्री है ना, भाई साहब 8 दिन में तो 1 दिन पानी आता है, क्या पानी फ्री है पहले तो ये बताओ। उनका 20,000 लीटर पानी रोज का हो गया, जब वो 8 दिन में पानी आएगा वो भी 40 मिनट के लिए। कहेंगे आप? मेरा दो मीटर का बिल आया है, एक आया 16,000, एक आया 20,000, अभी मेरे पास फोन में बिल पड़ा हुआ है। ये बिजली का नहीं पानी का बिल बता रहा हूँ, पानी का बिल पड़ा हुआ है। और महिलाएं, अभी देखो पार्टी किसी की भी हो, वोट फॉर बीजेपी, जीतेंगे तो भाई मोदी जी, अब की बार 400 पार, वोट फॉर बीजेपी, मोदी जी है थे और हमेशा रहेंगे। तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। देखिए मोदी जी के नारे लगने लगे, यहाँ आम आदमी पार्टी के भी मौजूद हैं कार्यकर्ता, और हम जानेंगे जो मतदाता यहाँ मौजूद हैं। हाँ क्या कहेंगे आप? अभी देखो नारे लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो अलग अलग विचार होते हैं सब पब्लिक के, कोई एक जैसे थोड़ी ना होते हैं सारी पब्लिक। गलत कह रही हूँ? 90,000 का मिला है तो हमें तो दुख है ना, पर धर्म के पीछे किसी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, हम अभी सुनेंगे, अभी पूछेंगे। 90,000 का नाम सुना हमने, 90,000 का आपका बिल आया कितने? 92,000 हमारा 3 साल का बिल है। 3 साल एक प्लेट रुपये नहीं किया हमारा। देखो ऐसा है, जब उन्होंने बोला बिजली पानी फ्री है और बिल आ नहीं रहे, तो इंसान स्वतंत्र है, जब बिल हमने क्या नाम से देखा खुलवाया तो हमारा 92,400 रुपए का बिल आया भाई साहब। हर महीने खुलता है, हर महीने निकलता है, नहीं तो आपने क्यों नहीं? नहीं आया ना भाई, जब ये आप भी गलत है, 3 साल तक आपने बिल पे नहीं किया पानी का, तो आप भी तो गलत है भाई साहब। 2017 से फ्री चला रहे हैं, कोई आदमी आपको दे रहा है फैसिलिटी दे रहा है और उस चीज को आप आराम से सोए हुए हैं, तो जो उसका बिल आएगा चाहे 1,000 या 1,500 उस पर पेनल्टी भी। तो फिर फ्री किस बात का? तो आप 3 साल तक क्यों सोए हुए थे? जब ये उन्होंने फ्री कर दिया 7-8 साल पहले, फिर किस बात का बने? फिर इकट्ठा बिल क्यों आया? फ्री किया, हर महीने देते ना बिल, हम भरते। आपने निकलवाया बिल अपना 3 साल तक, क्यों नहीं निकलवाया? इसीलिए नहीं निकलवाया क्योंकि इन्होंने जब हमने पहले निकलवाया 1 साल का बिल, तो उस समय 0 बैलेंस आया, फिर पता लगा बिजली पानी फ्री है तो इसलिए बिल नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। जब बाद में निकलवाया 4 साल बाद, तब 92,400 रुपए का बिल आया भाई, पानी का बिल था इनका। ये मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर किसी जनता। मैं तुम्हारे क्या नाम से जो अपनी क्या नाम है से यहाँ पे जो कालका जी में बैठती हैं तुम्हारे क्या नाम से आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, नहीं मीनाक्षी दूसरी, हाँ आदिशी, आदिशी के ऊपर मैं 10 बार गई, सौरभ भारद्वाज के ऑफिस में 10 बार गई, बहन जी हो जाएगा, बहन जी हो जाएगा, रोज लिख लिख के लेटर दे रहे, आखिरी में मेरा 1 रुपए का बिल माफ नहीं हुआ। अच्छा मैं बताता हूँ मेरी कहानी, जो आपके सवाल थे, मेरा हर महीने 0 बिल आता था, फिर 1 महीना ऐसा हुआ जिसका 1 महीने का बिल दोनों मीटरों का 16,000 रुपये बिल आया। मैंने देखा, सच बताऊंगा, मीटर की रीडिंग भी ऐसी हो रखी थी, बट यहाँ पे सब रहते हैं, सबको पता है तुगल का आदमी कितना पानी आता है, मेरा कुछ 1,25,000 लीटर कुछ महीने का पानी भरा गया था, जब इतना पानी आता नहीं तो भरा कैसे? मैंने बोला मीटर ने रीडिंग गलत ली है, मैंने कम से कम नहीं तो 6 चक्कर लगाए, उन्होंने कहा ये मीटर की रीडिंग है, ये पानी माफ़ बिल माफ़ नहीं होगा। मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, पर आप खुद बताओ जब पानी ही नहीं आता इतना, 1,25,000 लीटर पता नहीं कितना लीटर उसमें, मैं ठीक से याद नहीं है, पूरे बिल है, 1 महीने का बिल आया था, तो इतना लीटर पानी मैंने भरा है, मतलब पूरी कॉलोनी में इतना पानी कैसे आ सकता है, इतना पानी मेरा मीटर रीडिंग हुई है और बिल आया, तो ये चीज़ कैसे माफ़, मतलब इसमें मेरी भी गलती नहीं है, इसमें वो भी कह रहे हैं कि मीटर की रीडिंग है, तो इस चीज़ का आप कैसे समाधान निकालेंगे? उन्होंने माफ नहीं किया कि आपकी मीटर की रीडिंग इतनी आई है, अब मैंने बोला मीटर गलत ख़राब है तो कह रहे हैं कि मीटर नहीं हटेगा, मीटर हटाने के लिए आपका मीटर चोरी होना चाहिए तब आपका नया मीटर लगेगा। कुछ फ्री नहीं है, झूठ मूठ का ही है भैया, ये झूठ मूठ का चल रही है, फ्री बोलते 200 यूनिट फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है, हम लोग तो देते हैं गिन के हर एक चीज देते हैं, ना पानी आते हैं, ना गली बना हुआ टूटा हुआ, ना कूड़े वाले गाड़ी, कुछ भी नहीं होते हैं,
एक समय आते गाड़ी कूड़े लेकर आते, तोड़ के कूड़े वाला गाड़ी भाग जाते। क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वोट किसमें दो, वोट बर्बाद हो रहे खाली। इस बार तो बस बीजेपी का मैं सोच रही हूँ। जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, वोट किसको दें ये उसका फैसला है। और हम पूछेंगे और जानेंगे यहाँ के लोगों से, जनता से। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम अच्छे किए हैं काफी सारे। अच्छा, मैं ये भी कहूँगा। अच्छा, क्या अच्छा? हाँ, हमारे में महिलाओं लोग के किए हैं, हर चीज फ्री, गैस फ्री, वो अपनी घर बनाना, शौचालय बनाना, हम जुड़ाने से। पूर्ण विकलांग है, साथ में दो लेकर आए हैं सपोर्ट के लिए, एक ड्राइवर चला के लाए हैं और वोट डालने आए हैं। अपना अधिकार समझते हैं। क्या सरकार को नहीं दिखता? इनका भी कोई अधिकार है। सरकार को सोचना चाहिए, इनका भी कोई अधिकार है। ये अपना अधिकार समझ के आके विकलांग वोट करने आए हैं। दिखाइए अपनी उंगली, वोट करने आए हैं, सरकार को वोट दिया है। सरकार को भी सोचना चाहिए, इनका भी अधिकार है। आज देखिए हिम्मत, एक्साइटमेंट, फर्जों को अदा करना, सरकार का भी जरूरत है अपने फर्जों से अदा। मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कह रही थी आप? सर मैं ये कह रही थी आपसे, सबसे पहले जो आदमी बेरोजगार हैं, सबसे पहले उनके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट कुछ करे, सबसे पहले, और लेडीज़ों के लिए सबसे पहले करे। क्योंकि देखिए आदमी और औरत एक समान है, मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि आदमी औरत एक समान है, दोनों को एक साथ पटरी पे उतारा जाए। अगर दोनों पटरी पे अगर सही उतर गए ना, तो पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, सब बच्चे बिल्कुल सही चलेंगे, घर का परिवार सब चलेगा। और बात रही जो ये जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान हिंदू, ये कोई कुछ नहीं है, एक आम आदमी है, हिंदू भी एक आम आदमी है और मुसलमान भी एक आदमी है। कोई पैसे वाला अलग नहीं हो जाता और कोई स्कूटर वाला अलग नहीं हो जाता, आदमी एक ही है। आज प्रधानमंत्री जी के वोट हैं, पूरा हिंदुस्तान डालने आ रहा है उनको वोट। सबको समझ आ चुकी है कि हमारे लिए किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचेगी, मैं तो यही कहूँगी किसी की भी गाड़ी आए मगर रोड पे पब्लिक की गाड़ी को चलाया जाए। बस बस सर, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं दिल्ली की, दक्षिण दिल्ली में मौजूद था, सुबह 6 बजे से हम लोग आपको पल पल की हर खबर दिखा रहे हैं। अब की बार 400 पार बीजेपी का नारा, आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी का। उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, जनता खुद गिना रही है उपलब्धियाँ। और जानना चाहते हैं, क्या नाम है? फैयाज नाम है। फैयाज, अब की बार 400 पार बीजेपी का नारा है, क्या लगता है आपको किसकी? बीजेपी तो शुरू से ही जुमला करते आई है, जब 2014 में आई थी जुमला करके आई थी और ये जुमला करती हुई जाएगी। बोले तो 14 लाख रुपये देंगे हम, दे दिया इन्होंने 15 लाख बोला था, दे दिया इन्होंने, नहीं दिया ना, जुमला करते आई थी और अभी भी ये जुमला करते करते पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, मंगलसूत्र पे पहुँच गए, पानी की टंकी ले लेंगे वहाँ तक पहुँच गए, भैंस ले लेंगे ये यहाँ तक पहुँच गए। प्रधानमंत्री को वाकई में खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, और 400 नारे के पार करती हैं। पब्लिक को अभी भी समझ लेना चाहिए कि कितना जुमलेबाज प्रधानमंत्री है ये, और ये पूर्व प्रधानमंत्री, अब ये जाने वाला है और बहुत सारा सूफरा साफ है। और दिल्ली में सातों की सातों सीटें आएंगी, गठबंधन की आएंगी, सातों की सातों सीटें गठबंधन की आएंगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो 150 लाख दिखा दो, 150 बीजेपी वाले, मैं देखिए मैं तो ज़्यादा ये तो नहीं बोलूँगा बीजेपी वाले वो 150 लाख के 150 नहीं ला पाएंगे, मैं कह रहा हूँ 250 से ऊपर, पूरे देश में 250 से ऊपर सीट नहीं जा सकती बीजेपी की। और यहाँ तक लिखवा के ले लीजिए मेरे से आप, ठीक है, ये तुगलक आदमी ही रहता हूँ, लिखवा के ले लीजिए, 250 से ज़्यादा सीट नहीं ला सकती बीजेपी है। 400 आएगी पक्का, अरे के ले लो यार, 500 भी आएगी, 400 आएगी। बीजेपी की सीट पूरी 400 पार है, बीजेपी की सीट पूरी 400 पार। देखिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, यहाँ पर एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ बीजेपी, दोनों पार्टी के मौजूद हैं, वोट करने आ रहे हैं। कोई भी है ना भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई है? केजरीवाल को क्या वोट दे? बच्चों तक की कसम खा जाता है कि मैं किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करूंगा, वो फिर भी कहते हैं, तो फिर भी मेरे हिसाब से 400 पार है। इसमें बोलिए, इसमें मेट्रो सिटीज कितनी थी, एम्स कितने थे, IITs कितनी थी? अच्छा मोदी ने बताओ ना, आप कह रहे हो आप मेरे पास, देखिए आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, विकास आपको बोल के भेजा के 400 पार पूछिए लोगों से, क्या बात करो, जनता बोल रही, जनता तो कोई नहीं बोल रही, हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो? बता दो कहाँ, हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग टीवी पे चलेगा, बता दो सही मुझे, टीवी पे प्रोग्राम चलेगा, देख लीजिएगा अभी 400 पार कौन बोल रहा है, 400 पार हम आपको वीडियो देखेंगे, आप देखिए मोबाइल में देखिएगा, देखता हूँ मैं रोज की, ये तो सब, ये तो दो चार आदमी बोलने वाले हो, बाकी नहीं बोलते कोई भी, अंदर से कोई नहीं बोल रहा है,
कोई नहीं बोलता। हम अभी अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अभी देखना इसी न्यूज को आप देख लेंगे। हम मोबाइल में देख लेना, तुम दो भी पार कर लेना, दो सीट भी, 400 तो बहुत दूर है। दो भी पार क्या बोलू, केजरीवाल आएगा, कुछ भी हो जाए भाई साहब, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल, केजरीवाल पूर्ण बहुमत, केजरीवाल अब की बार, आप देख रहे हैं केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गांव के लाया, केजरीवाल लाया टुकड़े टुकड़े गैंग, ताहिर हुसैन को लाया जिसने दंगे फसाद करवाए, भ्रष्टाचार, दारू की बोतल लाया जिसमें एक पे तीन फ्री, माँ बच्चों की दुआ। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुद्दा गर्म हो चुका है। मैं तो निकला था ओपिनियन पोल जानने के लिए, यहाँ पर ओपिनियन पोल जाना, और यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। पार है तो पार है। आ जाइए, देखिए हम पूछेंगे और सुबह से, यहाँ पर ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, इनसे पूछेंगे, सुबह से यहाँ मौजूद थे, क्या लगता है आपको अब कितने परसेंट पड़ चुके हैं? ये तो लगता है रामवीर भिदूड़ी जी राम में, ये हम दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी तो पुनः एक बार परचम लहराएगी, और ये धोखेबाजों के साथ, चोरों के साथ, जो जनता इनका जवाब दे रही है वोटों से, जनता का पैसों का दुरुपयोग किया इन्होंने, 33,000 का घोटाला किया, अभी नुकसान कर रहे हैं, और बीजेपी वाले सारे वोट डाल रहे हैं, और यहाँ से आदरणीय श्री रामवीर भिदूड़ी जी पुनः आपके सांसद बनने जा रहे हैं, भारत माता की जय। बीजेपी सांसद बनने जा रहे हैं रामवीर जी, और भी यहाँ मौजूद हैं महिलाएं और बच्चे, और हम उनसे जानेंगे जो फर्स्ट टाइम वोट करके आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। अब ये बोलना चाहते हैं, बीजेपी क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही, बेरोजगारी दे रही है खाली, घर घर में सारे बेरोजगार हो रहे, हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंगलसूत्र पे कर रही है, ये अच्छा है कि घर में रोटी भी मिल रही है, भूखे मर रहे हैं लोग, चोरी चमारी कर रहे हैं, इसलिए वो जीतेंगे। केजरीवाल जो कर रहा है तो उसे जेल में डाल दो, वो हारेगा, ये है मतलब। बुराई के साथ दुनिया है, अच्छाई के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही बात है, अच्छाई के साथ कुछ नहीं है, बुराई के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और मैं नसीब खान आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लेकर आया हूँ। मैं आज सुबह 7 बजे से आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली का लाइव। मैं अभी इस समय दक्षिणी दिल्ली में मौजूद हूँ, और यहाँ हम जनता की ओपिनियन जानना चाहते हैं कि किसकी बनेगी सरकार और किसको करेंगे वोट। मुद्दे विकास के, 7 सीटों पर इलेक्शन होना है, दिग्गज बहुत बड़ा घमासान है। आज दिल्ली में एक पर्व की तरह, अंतर्राष्ट्रीय पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है, इस तरह से आज दिल्ली की जनता यहाँ मौजूद है जो वोट डालकर आ रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आपने वोट डाल दिया, क्या डाल दिया? मेरा नाम मोहम्मद कलाम। ये बताइए कि आज बहुत बड़ा एक तरह से पर्व मनाया है, क्या नाम आपका? मोहम्मद कलाम। कलाम जी, आज इलेक्शन है, 7 सीटों पर होना है, पूरे भारत की नज़र दिल्ली पर टिकी है, क्या लगता है? लगता है कि देखो जो सरकार 80-83 चला रहा है वही चलाएगा, ठीक है, और रोजगार के ऊपर मुद्दा होना चाहिए, यही है बस। महागठबंधन की सरकार बन रही है यहाँ पे, रोजगार मेन मुद्दा है, शिक्षा रोजगार। और अभी क्या है कि आज पूरे भारतवर्ष की नज़रें दिल्ली पे टिकी हुई हैं, और इलेक्शन है 6ठे चरण का, अभी सरकार मौजूदा 10 साल बीजेपी थी, उनका नारा है अब की बार 400। देखो बोलने को आदमी 400 पार भी बोल सकता है, 500 पार भी हो सकता है, तो 4 तारीख को ही रिजल्ट पता चलेगा कि 400 पार है या 300 पार है। आपको क्या लगता है, एक तरफ गठबंधन है एक तरफ बीजेपी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल टक्कर की सरकार है, वो टक्कर का मुकाबला है सब जगह, बाकी 4 जून को ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी 4 जून को पता लगेगा, दिल्ली में बहुत बड़ी टक्कर है, घमासान युद्ध छिड़ चुका है, सुबह 6 बजे से घमासान युद्ध छिड़ चुका है, शाम को पता लगेगा। आज अभी अनुमानित 50% वोटिंग हो चुकी है, पानी पीने का टाइम नहीं है, वॉलंटियर हैं हमारी, उनसे बात हुई, उठने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी उठ नहीं सकते हम, और हम जानना चाहते हैं यहाँ जो वोट डालकर आ रहे हैं उनसे पूछेंगे। और ये 7 सीटों का बहुत बड़ा घमासान है, आज अंतर्राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। हम यहाँ जानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ लगा हुआ है यहाँ पर, ये पर्ची निकाल के दे रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं सुबह से 6 बजे से, इन्हें इतना समय नहीं मिला है कि ये पानी उठ के पी सकें या लंच कर सकें, पर्ची निकाल के दे रहे हैं हर मतदाता को, और यहाँ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे हम जानना चाहते हैं। दर्शक, आज बहुत बड़ा घमासान है, दिल्ली की 7 सीटों पर युद्ध है, एक तरफ गठबंधन, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? हमें तो देखो, चुनाव मतदान करके मैं भी आया हूँ, और हमने राष्ट्र के नाम पे मतदान किया है, ये राष्ट्र का ही चुनाव है, ये गली नाली सड़क इसका सीवर पानी का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, और देश हित में जो काम कर रहा है हम उसके लिए मतदान कर रहे हैं। और पूरा मोदी जी, खासकर मोदी जी ने अभी तक जो वादे किए थे 2014 से,
मैं जानता हूँ कि सारे उन्होंने पूरे किए हैं, वो चाहे धारा 370 है, चाहे श्री राम मंदिर है, या गरीबों का उत्थान के लिए अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं देना उन्होंने ये भी वादा किया था, उस पर भी काम किया, शौचालय दिया, निवास दिया, राशन दे रहे हैं। और इसके बाद गाँव में बकरीशाला, गौशाला, सड़कें, तमाम इस तरह के हमें सुविधाएं दे रहे हैं, जल से नल, सब कुछ मोदी जी केंद्र सरकार में होके जब ये कर रहे हैं। जनता ये कहती है कि बीजेपी धर्म के नाम पे बंटवारा करना चाहती है। धर्म के नाम पे तो आप कोई चीज़ आप मेरे मुंह में डालते हो तो मैं भी जवाब दूंगा। कोई धर्म के नाम पे बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी का एक ही मत है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कोई उपलब्धियाँ अगर जीतती है सरकार, प्रधानमंत्री बनते हैं दोबारा से इस बार, फिर क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार नए लेकर आई है जनता के? बिल्कुल, हमें ये है कि कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो हम लोग उम्मीद करते हैं मोदी जी आगे उसको पूरा करेंगे, और उन्होंने जो कुछ कहा है अभी तक वो पूरा भी किया है। तो उनके लिए ऐसा धर्म और उनके नाम पे तो ये सब लोग बकवासबाजी करते हैं, इसमें कोई कुछ किसी तरह का सत्य नहीं है। जो भी उन्होंने योजनाएँ दी हैं वो सबके लिए दिया है। कौन से धर्म वाले आदमी हैं जो नहीं ले रहे हैं? किस धर्म को नहीं मिल रहा? सारे धर्म को मिल रहा है, जो चाहे वो शौचालय है, निवास है, राशन है, जल से नल है, पेंशन क्या ना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, यार तमाम सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मोदी जी ने दिया है, तो वो सबके लिए दिया है। कोई एक आदमी किसी भी धर्म का कोई बताए कि मुझे नहीं मिला है, ऐसा तो कुछ है हुआ नहीं है। आगे भी वो जो करेंगे, जो कुछ मुद्दा है अभी, कोई चीज़ें हैं सामने जो आएंगी, हम उनको टाइम देंगे और कर रहे हैं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। लोग सारे अब तक लगभग 3 बज चुके हैं, कितने परसेंट मतदान हो चुका है, कोई आइडिया है आपको? आइडिया तो हम लोग अभी अपने इधर ही काम कर रहे हैं, घरों से लोगों को निकाल रहे हैं, हमने कोई न्यूज़ नहीं देखा अभी तक, टीवी पे कुछ नहीं देखा है। हम घरों से वोटरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बूथ तक हम ले जा रहे हैं, हम इसी काम में लगे हुए हैं सुबह 7 बजे से। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया, आप देख रहे हैं कि घरों तक जा जाके वोटरों को ले जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपना अधिकार है, आपका वोट डालिए। और हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर युवा भी खड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या लगता है आपको आज की जनरेशन में आप इसकी बनेगी नई जनरेशन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है वोटिंग में? अभी देखा जा रहा है, अभी सुबह से हम यहाँ पे लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा वोट नई जनरेशन ही डाल रही है, नए यंग वोटर ही डाल रहे हैं, और नया विकास होगा, नया राष्ट्र होगा, नया नेशन होगा। विकास, नया विकास, नया राष्ट्र, यंग जनरेशन आज इस बार 18-18 प्लस वाले वोट बढ़ चढ़ के डाल रहे हैं, आगे बढ़ के डाल रहे हैं। बीजेपी की क्या है उम्मीदें और क्या है आगे आने वाले काम? हिंदुत्व राज बनने जा रहा है, ये है जनता के मुद्दे। और हम जानना चाहते हैं किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। मैं नसीब खान, दक्षिणी दिल्ली।